गाइस यार, आप लोगों की वजह से ग्रैनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरे ये क्या कर रहे हो, लड़ना बंद करो वरना गोली मार दूंगा। ओ मजा आया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जागकर एडिटिंग कर रहा था। और गाइस आपने पिछले ब्लॉग में देखा था ना कि हम सब ने मिलकर वो एलियन को पकड़ लिया जो बहुत शोरिया कर रहा था। मतलब कि एलियन को तो सजा मिल गई, बेन टेनिसन ने उसको अपनी घड़ी में कैद कर लिया। और जो ग्रैनी है वो भी एलियन के साथ शामिल थी शोरिया करने में, उसको कुछ सजा नहीं मिली थी। फिर आप लोगों ने कमेंट किया कि ग्रैनी को भी सजा मिलनी चाहिए, सोरियों में ग्रैनी का भी हाथ था, तो उसे पुलिस उठा कर ले गई। अगर गाइस आप लोग कमेंट ना करते ना तो ग्रैनी को सजा नहीं मिलती। चलो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ग्रैनी को हवालात में डाल दिया, उसके साथ तो यही होना था। और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा सेकंड चैनल है जहाँ पर हम ऐसे ऐसे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अभी कल ही एक खतरनाक वीडियो आया है, उसकी लिंक कमेंट में जरूर देख लेना और दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बना लिए हैं और भूख भी लगी है, तो चलो चलते हैं। अरे साहब, ये जो बुढ़िया है ना, ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, थोड़ा संभाल के। ए, सुनो साहब, मेरे को बिमल चाहिए, बिमल दो। अरे नहीं हो, कोई बिमल विमल नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ उधर। अबे ग्रैनी, तू किस जुर्म में आई है यहाँ पर? अपुन ने वो एलियन की मदद की थी दुकानें लूटने में। अबे तू तो छिंदी छोरी कहती रहती है बुढ़िया। अबे ओ लुगड़ी के, बुढ़िया नहीं ग्रैनी, बोल ग्रैनी। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई फिट और भाई को घूसा मारने की बुढ़िया? झगड़ा मत करो, जेल में हो। फिर से बुढ़िया बोला, ये ले चमकान दिए। बोला ना झगड़ा मत करो वरना गोली मार दूंगा। मैं तो करूंगी। अरे साहब, ये चुड़ैल है, गोली से नहीं डरती। अरे तो क्या करेंगे भाई, तू ही बता। अरे सुनो सब लोग, जो जेल में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा उसे बिमल मिलेगी। बिमल के लिए तो कुछ भी। अरे साहब, इस चुड़ैल को मेरे लॉकअप से बाहर निकालो, मेरे को बहुत डर लग रहा है इससे। दादी, अगर आपको बिमल चाहिए तो दूसरे लॉकअप में चले जाइए। ठीक है। अरे ये क्या नोबिता, तू जेल में कैसे आया? अरे क्या बताऊँ ग्लेनी जी, वो मैंने डोलेमोन के पॉकेट में से एक चुपके से गैजेट निकाल लिया, तो उसने मेले पे चोरी का केस कर दिया, इसलिए पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया। तो गाइस अभी मैं खाना वाना खा के आ गया हूँ, मजा आ गया। और घर में यार आज बहुत शांति है क्योंकि ग्लेनी नहीं है ना, वरना तो घर में सारों और एक ही आवाज आती रहती है, बीमार बीमार। अरे क्रिमिनल, थोड़ी तो शर्म कर ले, हमारी दादी जेल में है और तू यहाँ खुश हो रहा है। हाँ सही कहा, मुझे तो माँ जी की बहुत याद आ रही है, बेचारी क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी, उन्हें टाइम से बिमल मिल भी रही होगी या नहीं। अरे मम्मी, आपको ग्रैनी की चिंता हो रही है, मुझे तो उनकी चिंता हो रही है जो ग्रैनी के साथ लॉकअप में बंद हो गए बिचारे। अभी नालायक अपनी दादी के बारे में ऐसा बोलता है, एक तो तेरी वजह से वो जेल में गई है। मेरी वजह से कहाँ गई है, वो तो ऑडियंस ने कमेंट किया था कि ग्रैनी को सजा होनी चाहिए, इसलिए पुलिस उठा गई। मुझे कुछ नहीं पता, जा तू और दादी को जेल से कैसे भी छुड़ा के आ। पापा आपसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। तो गाइस जब पापा ने बोला है तो अब ग्रैनी को छुड़ाने जाना ही पड़ेगा। मैं आदम सासा और हिप्पू जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो गाइस अभी मैं हिप्पू और आदम सासा आ चुके हैं मेरी फॉर्च्यूनर में और अभी हम जाएंगे पुलिस स्टेशन ग्रैनी को छुड़वाने। अबे ये तो तू अभी 2 मिनट पहले ही बोला था, तो फिर से बोलने की क्या जरूरत है? सासा मुझे वो मेरा स्पेशल डायलॉग मारना होता है, सड़ो सड़ते, इसलिए बोला। तो सड़ो सड़ते है। बहुत हो गया, अब मैं भाग जाऊंगी जेल से। अबे रुक जा, कहाँ भाग रही है, रुक जा। ओए ऑफिसर, छोड़ दो उसे, मैं आ गया हूँ ग्रैनी, तू चिंता मत कर। मुझे पता था मेरा पिगू आएगा, जरूर आएगा।
और अग्रणी तेरा लाडला पिगू आ गया है तुझे बचाने। हुए अरे हलवा समझा है क्या, हम इसको नहीं छोड़ने वाले हो। ओए ऑफिसर मैं अपने साथ वकील लाया हूँ जिसके पास सारे कागजात है। ओए हाँ साहब, माय नेम इज बिनोद और आप हमारे क्लाइंट पर बंदूक नहीं टांग सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 आप बुजुर्गों पर बंदूक नहीं टांग सकते। आप फ्री फायर वर्ल्ड के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे सही कहा, वो सॉरी इंस्पेक्टर, बंदूक को नीचे कर लो। अरे वाह पिगू, बढ़िया वकील उठा लाया है तू। ओए हाँ ओए, और ऑफिसर अब ग्रैनी जी को छोड़ दीजिए, अब मैं उसे घर ले जाने आया हूँ। ओए अरे आज तो संडे है तो कोर्ट बंद होगा, मतलब इनकी आज बेल नहीं हो पाएगी। वो आज की रात तो इन्हें लॉकअप में ही गुजरनी पड़ेगी। अरे हाँ पिगू भाई, आज तो मैं भूल ही गया, हम इनको नहीं छुड़वा पाएंगे। ओए कोर्ट भले ही बंद हो, मैं जज साहब को यहीं बुला लेता हूँ, ग्रैनी को तो मैं छुड़वा के ही रहूंगा, वो भी आज। ओए अरे बोलो बोलो पिगू भाई, कैसे याद किया इस बड़ी चीज को। ओए जज साहब आज संडे है तो कोर्ट बंद रहेगा और मुझे मेरी ग्रैनी की बेल करवानी है, तो आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। रे पिगू भाई आपके बड़े एहसान से मारे पे, अभी आता हूँ अपना हेलीकॉप्टर लेके। येड़ो सासा पहुँच गए पुलिस स्टेशन, एक मिनट ये बाजू में फॉर्चूनर है वो कहीं जानी पहचानी लग रही है। पिगू भाई अच्छा पिगू की फॉर्चूनर है। और ये लो आ गए जज साहब। अरे इसने तो सच में जज साहब को यहाँ बुला लिया। आइए आइए बैठिए और जल्दी से कार्यवाही शुरू कीजिए। ओए रे तो चलो भाई, दोनों पार्टी कटघरे में आ जाओ। बढ़िया कटघरा है वापे। अरे जज साहब इनके पास तो वकील है पर मेरे पास तो वकील ही नहीं हो। अरे ऑफिसर चिंता क्यों करते हो, मैं ग्रैनी के खिलाफ केस लड़ूंगा। अरे अच्छा से चलो भाई, दोनों वकीले केस को आगे बढ़ाए। जज साहब केस बहुत सिंपल है, हमारी क्लाइंट ग्रैनी जी निर्दोष है, असली मुजरिम वो एलियन था जो चोरी कर रहा था। ग्रैनी ने चोरी नहीं की, ग्रैनी बस उससे प्यार करती थी। क्या प्यार करना गुना है, तो कर लीजिए अरेस्ट। अरे प्यार करना गुना ना से तो ग्रैनी जी निर्दोष साबित होती से। ऑब्जेक्शन मैडम, यह गलत है, ये अपने क्लाइंट को सजा से बचाने के लिए झूठी बातें कर रहा है। असल में ये जो ग्रैनी है वो गद्दार है, ये एलियन को चोरी करने में मदद करती थी और गद्दारी करना जुर्म है जज साहब, तो इसलिए ग्रैनी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ भाई गद्दारी करना तो जुर्म से ग्रैनी को सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट माय लॉर्ड, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ग्रैनी ने चोरी करने में मदद की, और कानून सिर्फ सबूत पे विश्वास करता है। और क्या सबूत, ग्रैनी से पूछ लो। ग्रैनी तुम कर रही थी ना एलियन की मदद। नहीं मना कर देना, मना कर देना। नहीं जज साहब, ये लाल टट्टी झूठ बोल रहा है, मैंने उस एलियन की मदद नहीं की थी। अच्छा ग्रैनी, अगर तूने सच बोला तो तुझे 10 बीमार मिलेगी। हाँ की थी मैंने, चोरी में मदद की थी, बीमार। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ओपोजिशन के वकील हमारे क्लाइंट की मजबूरी का फायदा उठा रहे, इन्हें बीमल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब कि ये बीमल के लिए चोट को भी सच बोल देती है। रे क्रिमिनल वकील साहब, कोर्ट आपको वार्निंग देता से क्लाइंट की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। लेट्स कंटिन्यू सेशन, आपके पास है कुछ डिफेंड करने के लिए? नहीं जज साहब, अब कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, क्या करें। अरे जज साहब अगर परमिशन हो तो मैं क्रिमिनल के क्लाइंट चाई साहब से बात करना चाहता हूँ 2 मिनट। ठीक से भाई, यो कोर्ट परमिशन देती से। तो इंस्पेक्टर साहब आपने ग्रैनी जी को किस आधार पे अरेस्ट किया है, बताइए जरा प्रशासन को। अरे जज साहब वो क्रिमिनल के ब्लॉग में कमेंट्स आ रही थी कि ग्रैनी को सजा मिलनी चाहिए हो, इसलिए हमने अरेस्ट कर लिया ग्रैनी को। देखा माय ऑनर, इनका पूरा केस बेबुनियाद है। वो तो ग्रैनी के हेटर्स ने कमेंट किया होगा, उसका मतलब ग्रैनी गुनेगार थोड़ी है। तो चलो भाई, दोनों प्रशासन की दलीलें सुनने के बाद यो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची से कि ग्रैनी को बेबुनियाद सबूतों पे अरेस्ट करा से, मतलब कि सिर्फ हेटर ने
कमेंट किया था तो तुम अरेस्ट ना कर सकते। अरे ये क्या बात हुई जज साहब, आप एक बहुत बड़े मुजरिम को खुला छोड़ रहे हो। आप हमारी ऑडियंस की कमेंट को बेबुनियाद नहीं बोल सकते। ठीक से तो यो फैसला मैं ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट करो कि ग्रेनी को छोड़ देना चाहिए कि नहीं, और साथ में रीजन भी लिखना से। अब अगली कार्रवाई नेक्स्ट संडे को होगी। द कोर्ट हैज बीन एडजॉर्न्ड। तो गाइस अब ग्रेनी का फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोग कमेंट कर देना कि ग्रेनी आपके लिए क्या मायने रखती है, या फिर कोई मायने नहीं रखती, सजा मिलनी चाहिए। बाकी मेरी एडिटिंग भी हो गई है। मैं ब्लॉग को एंड कट ऑफ लाइक सब्सक्राइब शेयर करूंगा।